हरे कृष्ण समस्तको दशम अध्याय भगवत गीतार नाम है विभूति योग बा अपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट भगवान तंकर ऐश्वर्य विषय कहते तो कौन पाई कहवा दरकार पड़ा भगवान को निजर ऐश्वर्य विषय कहीं भौतिक जगत में लोक मैंने ऐश्वर्य प्रति बेस आकृष्ट क्या प्रति से बेस आकृष्ट जार बेस धन अच्छी जार बेस मान अच्छी पावर अच्छी सुंदर रूप अच्छी से मान प्रति कलिगर लोक मैंने बेस आकृष्ट तो से भगवान कहते तुम जी ए जिन प्रति आकृष्ट सबुथर श्रेष्ठ तो हेली मु धन सबुठ अधिक धन मोर अच्छी सबुठ सुंदर रूप मोर अच्छे तो आ प्रति कहीं लोक आकृष्ट न हे तो भौतिक जगत लोक मान आकृष्ट करने भगवान ये सब जिनस कहते कौन से भक्त पाई नुह कहीं भक्त पाई भगवान हेले सबकि भगवान को बुझापाई भक्त तर पावर देखा दरकार नहीं तो भगवान तक विषय बहुत किसी कहते भगवान अर्जुन को कहते मु तुमको आउ थे सबकि जिनस कह कहीं तुम आम अति प्रिय ए दुनिया में बहुत लोक अच्छा जमी देवी देवता विभिन्न प्रकार महर्षिगण से मैंने मो विषय जानते ना कहीं शुद्ध भक्त भाई से शुद्धता नए कहीं जो देवी देवता जड़े हूँ तम मन में बहुत किसी आशा थाए से भौतिक जगत को एंजय कर इच्छा थाए कि शुद्ध भक्त मान इच्छा सेमती न था केवल इच्छा था भगवान केमती सेवा कर जो मैंने महर्षिगण मुनि ऋषि मिस्टिक योगी कहते इच्छा थाए बहुत किसी पावर पाइबापी तो से जेहेतु शुद्धता न था तेणु भगवान कहते मो विषय जापारती ना कि मुझे ओरिजिन मैंने समस्ते मठ जात होती तापर भगवान कहते ए दुनिया में बहुत किसी सृष्टि आम जानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन देव त्रिदेव सब सृष्टि करन कर ध्वंस करते सेकेंडरी सबकि मूल है मु मोर इच्छा सबकि जहाँ भी किसी सृष्टि प्राचीन कुमार मनुगण से मैंने सब मोर मनर जत जी मोर ये सत्य को जापे से केवल भक्ति सेवा मार्ग में चली जाए आर कौन सन्देह रही ना तापर कृष्ण कहते अहं सर्वस्य प्रभाव अहम अत सर्वम प्रवर्तते सबकि मठ सृष्टि मु सबकि मूल भक्त मैंने कौन करती ना मोर शुद्ध भक्त मैंने केवल मो विषय चिंता करती मो विषय कथबार्ता करती निजको परस्पर को आलोकित करती मो विषय तो से सब सतोष रहा मन में कौन सी विषाद न था मत जानापी भगवान को जानापी कौन दरकार ज्ञान मध्यम जाणीहब कि ज्ञान जड़ बुद्धि नुह जड़ ज्ञान नुह से भगवान आम हृदय भरीदे बहुत सुंदर श्लोक कहते तेसाम सतत युक्ता नाम भरिताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये नमापयते मैंने जी मोर क्रमगत भाव भजन कर चले मत उत्सर्गीकृत कर चले मुदय बुद्धि भरीदे जहाँ कि समस्त जापारती कौन सी जड़ ज्ञान व शास्त्र पढ़ी मत आज पर्यत कहीं जापार ना तापर भगवान अर्जुन कृष्ण को संपूर्ण रूप ग्रहण कर भगवान आपण हेले परम ब्रह्म आपण हेले परम धाम आप पवित्र परम भगवान आपण जन पुरुष जन व्यक्ति शाश्वत दिव्य यह सब जिनस अर्जुन अलरेडी कृष्ण को ग्रहण कर दे जिनस कहूना आगर बहुत मुनिष मैंने जहाँ को प्रमाण कर देवर्षि नारद असित मुनि देवल मुनि व्यासदेव और आपण निजे जिन मत कहते तो अर्जुन कहते आपण को संपूर्ण रूप ग्रहण करपर कृष्ण कौन करजर अपुलेन्स मु किए बोली कृष्ण कहते ए दुनिया में जहाँ भी किसी जिन देख सब मोर ही एक्सपानसन मोर ही दिव्य तेजर जत कृष्ण कहते मुते आदित्य अच्छा भितर मुझे विष्णु जिते रुद्र अच्छा भितर मुझे शिवा लॉर्ड शिवा महादेव जिते क्रिएटर अच्छा सृष्टिकर्ता भितर मुझे ब्रह्मा एमती विभिन्न प्रकार जिनस लाइट भितर मुझे सूर्य तापर मुनि ऋषि भितर मुझे नारद मुनि मुझे व्यासदेव तापर अश्व भितर मुझे उच्चैश्रवा हस्ती भितर मुझे ऐरावत देवता भितर मुझे इंद्र एमती समस्त बहुत सब जिनस बेस्ट जिनस कृष्ण को रिप्रेजेंट कै कृष्ण को मोर एक्सपेंशन
ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଦାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ମୋର ମହିମା ତେଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ମୋର ତେଜରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଏକାଂଶନ ସ୍ଥିତ ଜଗତ, ସାରା ଜଗତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଅଛି। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ନିଜର ତେଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।